के दिखा दो ना, अभी तो हो ही। बच्ची के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। बुर्की के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चिकन की बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। आप सोचोगे ये क्या है, तो मसाले लगे हुए, तो मैंने मैरिनेट कर लिया। जब अभी आपको कलेजी बनाना सिखाई थी तभी, क्योंकि मैरिनेट जितनी देर होगा उतनी देर तभी अच्छा बनेगा। तो मैं बता देती हूँ इसमें मैंने क्या क्या डाला है। इसमें हल्दी, धनिया, जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं, लाल मिर्चा वो सब, और 1-2 चम्मच लहसुन अदरक का, हरी मिर्च का पेस्ट। अब इसको अच्छे से ये ऐसे ऐसे हमने मिक्स कर लिया। जितनी देर मैरिनेट रहेगा उतनी अच्छा, फ्रिज में रख देंगे और अच्छा रहेगा, 1-2 घंटा या 1 दिन या जितना देर आप रख सकें। तो ये हमारा, हम क्योंकि इंस्टेंट बना रहे हैं ना, मतलब कि हमें जल्दी बनाना है इंस्टेंट, मतलब इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे कि हाँ जैसे हम तहरी बना लेते हैं जल्दी से, वैसे नहीं। तो इसको बिरयानी जो बनाने का मतलब तरीका होता है, उसमें इसको स्टिक मतलब इसको टाइट रखते हैं, खूब देर तक भूनते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे ज़्यादा देर तक भूनेंगे, हम जल्दी बनाना सिखा रहे हैं और अच्छी भी बनेगी। क्योंकि हम जल्दी बना रहे हैं इसलिए हम आधे घंटे रख देंगे। आपको और मतलब टेस्ट इनहेंस करना है और देर तक बनाना है तो आप इसे और देर तक रखिए, 1-2 घंटे तक। जितना देर मैरिनेशन होगा उतना ही अच्छा, और दही लगा के करेंगे तो और भी अच्छा। तो ये हमने सारे बेसिक मसाले और नमक डाले थे, इसको हमने मैरिनेट कर दिया है। बाकी इन्ग्रीडियंट में लगेगा ये देखिए, मटर, टमाटर और प्याज भी अभी हम छिलके से रखेंगे, स्पेस बना हुआ है। तो ये है हमारे प्याज। प्याज आप लाल करके निकाल भी सकते हो, आधे घंटे के लिए ढककर रखेंगे। और ये देखिए खड़े मसाले लेंगे सारे, ये सारे हैं, काली मिर्च, शाही जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी, जावित, सारी चीज़ें मतलब है इसमें, चक्री फूल, ये ठीक है, ये सब, जीरा, मेथी, ये है गरम मसाला मतलब मीट का मसाला, गरम मसाला, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च और ये सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता। तो ये रहे मसाले सारे। और चाहिए होगा हमें कड़वा तेल, नमक, ये देखिए घी, नमक और ये रहा मस्टर्ड ऑयल, ये देखिए। तो ये रहा सारी चीजें, अब जैसे ही हम छौंकेंगे तो आपको बताएंगे। इसको हम मैरिनेट होने देंगे, मैरिनेट होने तक तब हम ये सारी चीजें पीस के रख लेते हैं। देखो जैसे मैंने ये घिसा हुआ है, क्या सुना था। अब प्याज व्याज भी हम छील लेते हैं जब तक ये मैरिनेट होता है। अब हम इसको रखने जा रहे हैं ढक करके। ये देखिए हमारा आधा घंटा हो चुका है रखे हुए, अब हम इसको बनाने जा रहे हैं। देखिए प्रेशर कुकर हमने लिया है, इसमें हमने तेल डाल दिया क्योंकि ये आपको लाल दिख रहा होगा थोड़ा हुआ, वो कलेजी जब हमने तली हुई है उसी की वजह से, और ये कुछ पड़ा हुआ मिर्चा वगैरह डाल दिया था, खाने में अच्छा रहता। तो ये तो अब हम इसी में और थोड़ा सा तेल डाल देंगे, और उसके बाद थोड़ा तेल निकाल के आप इसमें डाल दे रहे हैं। ये देखिए अब इसी में और तेल डाल देंगे, और उसके बाद प्याज वगैरह डाल के भूनेंगे। ये अब हम इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे, देखिए तेज पत्ता, मिर्च डाल देंगे, काली मिर्च, लौंग, सारी इलायची फोड़ के डालेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का, बाकी सारे मसाले से डाल देंगे। जैसे तो मैं कहा है इसमें इलायची मैंने हाथ में लेंगे फोड़ने के लिए, बाकी मसाले डाल देंगे, मेथी, जीरा वगैरह का डाल देंगे। अब इसको भी थोड़ा खोल कर देखिए क्या क्या हो रहा, आवाज आ रही है। ये हम इलायची को थोड़ा फोड़ लेंगे बेलन वगैरह से, क्योंकि हल्की लेकर
क्योंकि हमें बताया कि हमारा नीचे है या हमें ऊपर का सेट ऐसे ही लगा हुआ है नॉनवेज बनाने के लिए, तो हम चाकू से ही काट रहे हैं, बेलन लेने जाना पड़ेगा हमें। ये देखिए छील छील के डाल दीजिए ऐसे, चाकू की सहायता से बीच से सेट करके सारा डाल दें। इधर हमारा ये हो गया, हम प्याज डाल देंगे, खड़े मसाले हो गए, प्याज काटा अच्छे से भुनते लाल गए तो आधा निकाल लेंगे चावल ऊपर से डेकोरेट करने के लिए, और अच्छा लगेगा। पर मैं निकालूंगी मैं कड़ाके बना लेंगे, जैसे ये लाल चीज की बार हम लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। जैसे प्याज डाल दिया थोड़ा ना करिएगा, प्याज डाल देंगे नमक डाल देंगे थोड़ा और भी जाएगा, ये देखिए हमारा ये देखिए लाल वाला स्टार्ट हो चुका है। हमने लहसुन भी खड़ा खड़ा डाल दिया, आप चाहे तो पीस के डाल सकते हैं, पीसा भी डालेंगे लेकिन खड़ा डाल दिया क्योंकि थोड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए अब ये लाल वाला स्टार्ट हो चुका है, इसमें अदरक हरी मिर्च और उसके बाद फिर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे, इससे ज्यादा टेस्ट अच्छा आएगा, थोड़ा स्पाइसी रहता है। पीस लेते थोड़ा उसका मतलब पीछे पार्ट होता वो भी खत्म हो जाता और टेस्ट भी नहीं आता। ये देखिए हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब बहुत ज्यादा नहीं भुनेंगे क्योंकि हमें इसमें चिकन डाल के भुनना है, तो बेसिक मसाले सारे डाल देंगे और साथ सब्जी जो मैरिनेशन लगा के रखा हुआ ये हमने चिकन का वो भी डाल देंगे। पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा बाद, तो ये हमने और
इसको अच्छे से देखो, इसमें पानी भरा हुआ है इसीलिए टमाटर नहीं डाला था, और ना ही वेजिटेशन वाला पानी डाला था। देखो ये पानी खुद ही डालना शुरू होता है। अब इसको हम हल्के मतलब मीडियम फ्लेम पे धीमे धीमे पे भूनेंगे, और बाद में टमाटर डालेंगे। इसको थोड़ा भून के और चलेंगे टमाटर डालते। ये देखिए पतंजलि का चावल है, इसको भी हमने धुल लिया क्योंकि अब हमारा रेडी हो चुका है। दो सीटी आ जाए तो मसाला भी इसमें भुन चुका, लाल हो चुका, सब्जी देखिए अच्छे से थोड़ा बहुत जलता है इसलिए, क्योंकि हम सब्जी अभी इसको निकाल के अलग कर देंगे कढ़ाई में, क्योंकि रात में खाने में काम आ जाएगी। इससे बाहर दो फायदे होंगे, सब्जी भी निकल आएगी और बिरयानी बन जाएगी, और बाकी और चावल भी धुला हुआ डाल देंगे। ये देखिए कितना सुंदर भुना है, इसी में हम चावल मिक्स कर देंगे और मटर हरी सब्जी थोड़ी निकाल करके। ये 1.5 किलो लेके आए थे तो ये सब्जी के लिए मैंने निकाल दिया। देखिए इसको हमें रसा लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे अभी कम परिवार है तो ऐसे ही खा सकते हैं, और ये पूरा अच्छे से गल चुकी है बढ़िया। और ये बाकी जो हमारी कुकर मची है इसमें हम चावल और वो हरी मटर जो मची वो डाल देंगे, ठीक है। ये पतंजलि का चावल है, ये पतंजलि का चावल है, इसे भून लिया हमने अच्छे से, अब ये डाल देंगे। बहुत रगड़ा नहीं है ये, सब सुंदर माई तैयार हो गई। आप चाहें तो गर्म पानी लगा के रसा लगा सकते हैं, पर ये सूखी खाने के लिए तैयार है। इससे हमारा दोनों काम का समय का समय बच जाएगा, हमारा रात का खाना भी बिल्कुल बन चुका है, और इधर हमारा चावल भी हो गया, इधर हमारा ये भी हो गया बिरयानी के लिए। ये देखिए अब ये जो बचा हुआ है ये हम बिरयानी के लिए कर देंगे, इसको थोड़ा और भून के और मटर डाल के चावल डाल के बस नमक लगा देंगे स्वाद अनुसार। ये देखिए इसमें हमने मटर डाल दिया, चावल डाल दिया। मटर पहले डाल देते तो बहुत गल जाती है, फिर मजा ही नहीं आता। और ये देखिए सब्जी भी दूसरी साइड हमारी निकली कितनी बढ़िया। ये देखिए अब हम इसमें घी डालेंगे साइड से थोड़ा, और थोड़ी सी बनने के बाद डालेंगे, चलाना लेकिन अल्टा पलटी करनी, बहुत ज्यादा वो नहीं करना, तुरंत सीटी नहीं लगा देंगे, थोड़ा देर इसको 2 मिनट चला देंगे, जिससे सब्जी और मटर ये सब देखो ऊपर नीचे अच्छे से आ जाए। देखो आ रही ना, फिर नमक डाल के और पानी, सीटी लगा देंगे, एक सीटी लगाएंगे। देखो सीटी में बन के चावल तैयार हो गया बिरयानी, बराबर से चला देंगे चावल फूटने तक थोड़ा, जिससे इसमें टेस्ट। अब हम सीटी लगा देंगे, एक सीटी केवल एक सीटी लगेगी, उसके बाद बाकी बची हुई घी और धनिया और तले हुए प्याज से गार्निश कर देंगे। चावल में पानी जो है जैसे 2 कटोरी पानी अपने हिसाब से चावल पानी डाल दीजिएगा, पलटा डाल के 1 इंच ऐसे कुछ नाप लीजिएगा। सीटी एक आएगी और पानी जो है 1 कटोरी चावल में 1.5 कटोरी पानी, ये 1 सीटी आ चुकी है। हम इसको दम होने के लिए छोड़ देंगे, हमें कुकर सीटी लगी हुई है इसलिए हमें दम करने में कुछ नाटक नहीं करना, आटा वाटा लगाना, हमें बस 15 मिनट तक ही छोड़ देना है बिना छेड़े हुए सीटी। ये देखिए ऑनियन बाकी हमने फ्राई कर लिया है, एक चीज और ध्यान रखनी है, बाद दम होने के लिए हम गैस बंद करे रहेंगे, यही खोले रहेंगे, 1 सीटी बाद गैस तुरंत बंद कर देंगे, पर सीटी से छेड़खानी नहीं करेंगे बस। ये देखिए प्रेशर रिलीज करने जा रहे हैं हम, थोड़ी बात बची हुई थी हमें लेकिन बहुत जल्दी भूख लग गई तो ये देखिए हमारी बिरयानी रेडी है। अब इसमें हम बहुत हल्के हल्के आते थे केवल किनारे किनारे से निकाल के, ये देखिए कितनी खिली खिली बनी है, घी डाल देंगे। घी डाल के क्या कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा बंद कर दीजिए थोड़ा देर और, लेकिन क्योंकि अच्छे से पक भी चुका है और हम लोग वेट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, तो हम लोग खाने जा रहे हैं। ये साइड में घी ठंडी में जम जाती है ना, तो चावल इसमें लेकर के निकाल लेना। देखो कितने अच्छे से चावल हमारा हो चुका है बढ़िया, ये देखो कितना खिला खिला सुंदर सा। ये अब इसको हम सर्व करके दिखाते हैं, ये देखिए एकदम बढ़िया खिली खिली बन के तैयार है बिरयानी। प्रेशर कुकर में बनी है, वो भी सीटी लगा के पीसेस, देखो लग नहीं रहा है कितने अच्छे से। तो ये हमारी पतंजलि चावल की चिकन बिरयानी तैयार है, वो भी प्रेशर कुकर में इंस्टेंट। तो इसको बनाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसी आसान सी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।